हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे जो हम लोग इस डायग्राम में जो सर्किट डायग्राम बनाए थे उसका हम लोग अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं वो वर्किंग करता है या नहीं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक तो प्रैक्टिकली एक तो सर्किट जो डायग्राम बनाए थे उसी का हम लोग प्रैक्टिकल वर्क करता है कि नहीं। उसी लिए यहाँ पर आपको MCB लिए है, रिएक्ट, ये आपका ओवरलोड रिले है। अब 95-96 का आपका NC है। NC से होके आपका स्टॉप पुश बॉटम, रे स्टार्ट पुश बॉटम, डेल्टा स्टार मेन कंडक्टर, तीन तो स्टार डेल्टा कंडक्टर है। और यहाँ पर एक तो टाइमर का ऑन डिले टाइमर या स्टार डेल्टा टाइमर जो भी आप यूज में ले सकते हैं, टाइमर कार्ड को लिए है। ये आपका A1 है, नीचे वाला आपका A2 कॉन्टैक्ट पॉइंट है। और ये आपका 17 और 18 नंबर है NO कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो अभी यहाँ पर MCB से इनपुट से पावर आया आपका ओवरलोड रिले 95-96 से होके आपका टॉप पुश बॉटम का, ये जो टॉप पुश बॉटम का गया है, टॉप पुश बॉटम के इनपुट से और टॉप पुश बॉटम के आउटगोइंग से आपका NO पुश बॉटम के इनपुट में घुसा है। और स्टॉप पुश बॉटम के आउटपुट से एक तो होल्डिंग के लिए मेन कंडक्टर है उसका NO में यूज हुआ है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट पॉइंट में यूज हुआ है। इसको आपको सर्किट में होल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे सर्किट में उसी को हम लोग मेन NO में NO कॉन्टैक्ट में यूज में लिए है। और ये आपका स्टार्ट पुश बॉटम है, स्टार्ट पुश बॉटम के आउटगोइंग से यहाँ पर दो टो वायर निकाला गया है। एक तो स्टार कंडक्टर की NO पॉइंट में यूज हुआ है, ऑक्सिलरी पॉइंट NO में, और एक तो को लिया गया है हम लोग डेल्टा कंडक्टर के NC कॉन्टैक्ट पॉइंट में। और उसी सप्लाई को हम लोग यूज करके टाइमर कार्ड के A1 को सप्लाई दिए है। ये आपका A1 पॉइंट है, उसी सप्लाई को यूज कर। और A2 आपका जो ब्लू कलर का वायर है आपका न्यूट्रल पॉइंट है। A2 आपका स्टार डेल्टा मेन सब में न्यूट्रल पॉइंट कनेक्शन क्या है, ब्लू कलर वायर है। और इसी आपका A2 पॉइंट है टाइमर कार्ड के, वही से अप्लाई का हम लोग लिए है। जो आप स्टार्ट जब मारेंगे उसी समय इस सब को आपका पावर सप्लाई जाएगा। जब आप स्टार्ट मारेंगे तो आपका टाइमर कार्ड जैसे ही ऑन होगा आपका जो डेल्टा का जो NC कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ऑक्सिलरी पॉइंट, उसी का आउटपुट से आपका डेल्टा का जो आउटपुट है NC कॉन्टैक्ट पॉइंट है उसका आउटपुट से आपका पावर जाएगा आपका टाइमर कार्ड के जो NO कॉन्टैक्ट पॉइंट है आपका 17 नंबर और नीचे में 18 नंबर। NO कॉन्टैक्ट पॉइंट टाइमर जैसे ही ऑन होगा आपका स्टार कंडक्टर A1 में कनेक्टेड किया है, आपका टाइमर कार्ड जब ऑन होगा आपका स्टार कंडक्टर ऑन होगा। ऑन होने के बाद आपका ऑक्सिलरी पॉइंट जो NO कॉन्टैक्ट पॉइंट लिया गया है स्टार कंडक्टर में, जो देख पा रहे होंगे यही जो देख पा रहे होंगे NO से आउटपुट से आपका स्टार कंडक्टर की NO में जो सप्लाई लिया गया है, जब आप स्टार कंडक्टर ऑन होगा टाइमर कार्ड ऑन होने के बाद वही NO के आउटपुट से ऑक्सिलरी पॉइंट ये आउटपुट से आपका वायर है मेन कंडक्टर की A1 में कनेक्टेड है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक तो लूप कनेक्टेड है और मेन कंडक्टर जैसे ही आपका ऑपरेट में आएगा, ये आपका होल्डिंग सर्किट है आपका NC के आउटपुट से दिया गया है। ये जो आप सर्किट में देख पा रहे होंगे ये जो मेन कंडक्टर है वही सर्किट यहाँ पर बनाया गया है। जब आपका टाइमर ख़त्म हो जाएगा तो आपका डेल्टा में चेंजेबल हो जाएगा। यहाँ पर मेन और आपका डेल्टा कंडक्टर रन करेगा, वही जो आपका होल्डिंग जब होगा मेल कंडक्टर वही पावर सप्लाई को हम लोग यूज करके यहाँ पर ये डेल्टा जो स्टार कंडक्टर की NC पॉइंट है, ऑक्सिलरी पॉइंट जो NC है उसी से आपका सप्लाई होके आपका यहाँ पर डेल्टा कंडक्टर रन करेगा। रन करने के बाद आपका टाइमर की पावर सप्लाई बंद हो जाएगी आपका सर्किट, लेकिन रन करेगा मेन और डेल्टा में। अभी हम लोग पावर सप्लाई ऑन किए हैं, ऑन करने के बाद आपको अभी स्टार्ट और स्टॉप करके अभी दिखा रहे हैं।
यहाँ पर MCV हम लोग ऑन नहीं किया है, पहले हम लोग MCV को ऑन करेंगे, उसके बाद पावर सप्लाई आपका ओवरलोड डिले हो जाएगा। अभी हम MCV को ऑन किए तो आपका जो पावर सप्लाई है ओवरलोड डिले के थ्रू होकर स्टॉप उत्पन्न हम स्टार्ट में आए। अभी हम जैसे ही स्टार्ट मारेंगे मेन और आपका जो स्टार कंडक्टर ऑपरेट में आ गया है आप देख पा रहे होंगे, और डेल्टा आपका पिकअप अभी तक नहीं हुआ है। टाइमर का जो जितना समय तक आप टाइम दिया होगे उतना तक तो आपका स्टार कंडक्टर पिकअप रहेगा, जैसे ही आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा स्टार आपका डेल्टा में चेंजेबल हो जाएगा, तो आपका मेन और डेल्टा कंडक्टर रन करेगा। अभी आपको टेस्टर मार के देख रहे जो आपका टाइमर करके A1 में सप्लाई नहीं है, जब तक आपका स्टार कंडक्टर रन करेगा उसी समय तक आपका टाइमर कार्ड ऑपरेटर में आएगा। जैसे भी आपका मेन और डेल्टा में चेंजेबल होगा तो आपका टाइमर कार्ड की पावर सप्लाई कटअप हो जाएगी, लेकिन इस टाइप से ये सर्किट वर्क करता है। अभी आप देख पा रहे होंगे मेन और डेल्टा में आपका मोटर रन कर रहा है, इसी टाइप ये सर्किट वर्किंग करता है, ये आप प्रैक्टिकल भी देख चुके हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।